हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा पावर पॉइंट का वीडियो नंबर 46 है, जिसमें हम लोग मास्टर व्यूज के अंदर स्लाइड मास्टर को करने वाले हैं। ठीक है, तो स्लाइड मास्टर का बेसिकली यूज क्या क्यों होता है, इस चीज को हम पहले बता देते हैं आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट कॉपीराइट आपका जो है प्रकाश सर, और इधर क्रेडिट गोज टू रिया सिंह। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, बट मैं क्या चाहता हूँ, ये जो है क्रेडिट गोज टू कोई किसी और का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये किसी और का प्रोजेक्ट है तो उसका नाम लिखा हुआ है, तो कैसे होगा। और एक और बात, ये सभी पेज पे अप्लाई होती है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एंटर हिट करते, देखो इस पे भी आया, इस पे भी आया, यानी जितना सारे स्लाइड अब बनेंगे ना, सभी पे यही नाम आएगा। आपको अगर यहाँ पे किसी और का नाम इंसर्ट करना हो या थीम को चेंज करना हो, तो आप स्लाइड मास्टर का यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लाइड मास्टर पे क्लिक करता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से कि इसको मेरे को एडिट करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से थीम्स वगैरह आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, बट ज्यादा इसमें कुछ मत करना, सिंपल सा इस ऑप्शन को कर लेना है, बस बात खत्म। इसका बैकग्राउंड स्टाइल वगैरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जैसे देख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, तो मैं प्रोजेक्ट पे ही सिंपल सा ये ऑप्शन बताना था मेरे को, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको डिलीट करके, क्योंकि ये दूसरा कोई का प्रोजेक्ट है तो उसी का नाम देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने संगीता लिख दिया, अब मैं इसके बाद कुमारी ऐड कर दूंगा। तो ये आपका ये जो क्रिएट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट का नाम है वो संगीता कुमारी है, तो इसमें क्या हुआ, क्रेडिट गोज टू संगीता कुमारी, तो ये सेटअप हो गया। और इसके बाद क्लोज करोगे, जैसे ही आप क्लोज करोगे तो सब पे ये नेम जो है चेंज हो गया होगा, देख सकते हो संगीता, और ये देख सकते हो सब पे आपका क्या है आ गया, संगीता कुमारी, संगीता कुमारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरे स्लाइड पे आपका संगीता कुमारी आ गया। ठीक है, यानी कि पूरे तरीके से स्लाइड मास्टर को अगर आपको एडिट करना हो इस वाले को, तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी अब क्या करता हूँ, मैं एंटर बटन को हिट करता हूँ, सॉरी मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, एंटर। देखो अब सब में ये नाम दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्लाइड मास्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।